गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुजीत और मैं आज लेकर आया हूं सबसे नया चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जब आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं या आपका रियल नंबर या अनरियल नंबर या आपका फ्रैक्शनल नंबर ऐसा पढ़ते हैं तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी प्रयोग होता है। चाहे आप बोर्ड मास पढ़ते हैं तो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी प्रयोग होता है। जब आप सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से बनाना सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को कभी कभी क्या होता है, आप उसी को बिना यदि ट्रिक लगाए यदि करते हैं तो आपको वह क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लगता है। तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि ये जो है कैसे आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.3 पर बार का साइन है। यहाँ पर क्या है, 0.3 पर क्या है, बार का साइन है। जब ये बार का साइन दिया रहेगा तो आप इसे यदि बोला जाएगा कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, कौन से फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को आप पहले लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिएगा कितना बार का साइन है, एक बार का साइन है तो 1 9 दीजिएगा, 2 बार का साइन है तो 2 9 दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 3 0.3 और 3 पर क्या लिखा हुआ, बार। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप 3 लिखिए और क्योंकि एक बार है तो आप 1 9 लिख दीजिए और इसका आंसर यही हो गया। अब इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे, यदि ये कटता है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो गया 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 0.6 पर बार है तो आप क्या कर लीजिए, 6 लिखिए और क्योंकि एक बार है तो आप 1 9 दीजिए। अब ये क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 2/3 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आपके पास एक नंबर पे बार है, साथ में एक नंबर जो है आपका 1 पॉइंट के रूप में, यानी 1 आपका होल नंबर है, बाकी ये फ्रैक्शनल नंबर में आपको इसको तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1 है उसको आप इस प्रकार से 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड का साइन दीजिएगा और ये जो 4 है आप 4 वहाँ लिखिएगा और क्योंकि बार का साइन 1 है तो आप यहाँ पर 9 लिख करके यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास फिर 1 है, 1 लिखिए क्योंकि ये होल नंबर है इसके वजह से ये 1 लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन देंगे, उसके बाद 3 है तो 3 ऊपर में लिखेंगे, 9 है क्योंकि एक नंबर पे बार है तो आप 9 लिखिए। अब यदि ये इसका सिंप्लीफिकेशन होता है तो काट दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 इसका आंसर हो जाएगा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान से बना रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आपके पास क्या है, 0 है और 0 पॉइंट क्या है, 3 और 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और 4 दोनों में ही बार है तो आप क्या लिखिएगा, 3 और 4 लिखिएगा और आप सीधा 2 पर बार है तो आप 2 ठो 9 लिख दीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सेम नंबर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.36 और दोनों पर क्या है, दोनों पर ही बार है तो आप क्या करिए, 3 6 लिखिए और यहाँ पर 9 और 9 लिख दीजिए, क्यों, 2 नंबर पे बार है तो 2 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब यदि ये कटता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, यदि ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। तो ये देख रहे हैं हम कटता है, 9 4 जा और 9 11 जा, यानी इसका आंसर हो गया 9/11 इसका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 0.001 है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर पे बार है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 0 1 लिखिए क्योंकि 3 नंबर है डेसिमल के बाद और 3 नंबर के बाद बार का साइन है तो आप 9 9 और 9 लिखिए, आंसर हो जाएगा। तो अब क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ 1 लिखिए और 9 9 और 9 इसका आंसर लिखिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आपके पास पॉइंट है, तो पॉइंट है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिए 3 2 और 4, ये नंबर लिख लिए, क्यों, तीनों पर बार था तो तीनों ही नंबर यहाँ उतार लिए, 3 2 4 लिख लीजिए। अब तीनों नंबर पे बार है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ लिखिए 9 9 और 9 इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो काट दीजिए, यदि कटता है तो काट दीजिए क्योंकि ये भी 3 के टेबल में कटता है, ये भी 3 के टेबल में कटता है, काटते जाइए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.57 पर बार का साइन दिया हुआ है,
यहां पर आपका जैसे 0.57 पे बार दिया है, 5 पे बार नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये आप क्या लिखेंगे, 57 यहां लिख लीजिएगा, 57 यहां लिख लीजिएगा। अब यहां पर बार का साइन किस पर है, सिर्फ 7 पर है, 5 पे बार का साइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जिस पर बार का साइन नहीं रहेगा उसको क्या करिएगा, उसको माइनस में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, क्योंकि बार का साइन एक नंबर पर है तो यहां पर 19 लिख दीजिएगा, और एक पर बार का साइन नहीं है तो इसके लिए यहां पर 0 लिख दीजिएगा। अब क्या करिए, इसको इससे माइनस करिएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 52 और बाई 90, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लाना है तो कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। यहां पर क्योंकि ये 2 से कट रहा है 26, और यहां 2 से कट रहा है तो 45, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 26/45, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखते हैं, सेम क्वेश्चन यहां पर है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है 17 नंबर लिख लेना है, बार का साइन किसमें, ओनली 7 पर है, 1 पर नहीं है, तो 1 को क्या करना है, माइनस कर लेना है। अब क्या करना है, यहां पर अब यहां पर लिखना है, क्योंकि 1 पर बार है तो 19 लिखिए, और क्योंकि 1 पर बार नहीं है तो आप 0 लिखिए। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा 16/ यहां पर हो जाएगा 90। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, 8 के टेबल में 8 टू जा कटेगा और 45 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8/45, इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आते हैं, यहां पर देख रहे हैं फिर वही सेम नंबर है, यहां पर आपको क्या करना है, 54 लिख लेना है, 54 लिख लीजिए, 1 पर बार है तो आप 9 नीचे लिखिएगा, 1 पर बार नहीं है तो आप 0 लिखिएगा। अब यहां देख रहे हैं 5 पे बार था नहीं तो 5 यहां पर माइनस कर दीजिए, अब इससे इसको माइनस कर दीजिए तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 49/90, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब यहां पर देखिए, ये इसमें देखिए यहां पर क्या है, आपके पास लिखा हुआ 0.245 लिखा हुआ है, तो आप ये नंबर पूरा उतार लीजिए, 245 यहां लिख लिए। अब क्योंकि इस पर बार का साइन नहीं है तो आप इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हैं कि कितने पे बार था, यहां पर 1 पर बार था तो 19 लिखे, 2 पर बार है तो 29 लिखिए, ठीक है, और यहां पर क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं है तो 10 लिख दीजिए। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, 243/9, 9 और 0, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको बात समझ में आई है, यदि आपको बात समझ में आई तो कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या आया। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है 0.3125 और बार का साइन है, ये चारों में ही बार का साइन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे यहां पर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान लिया 2.412 इस प्रकार से है और यहां बार का साइन दिया हुआ है, अब इसका आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। और यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल बना लेंगे, नहीं समझ में आई तो नहीं बनाएंगे। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी, यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो अप करने में मदद करें। धन्यवाद।